हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ का तवाफ करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तू कितना पाकीजा है और तेरी खुशबू कितनी पाकीजा है, तू किस कदर अजीम है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के हाँ मोमिन की हुरमत तेरी हुरमत से बढ़कर है। 9 मई, जब एक इमारत को एक साजिश के तहत खुद नुकसान पहुंचाया और इसकी आड़ में एक ऐसी दरिंदगी शुरू की गई जिसकी सोच सिर्फ एक सफाक दिमाग ही कर सकता है। बस खड़े नजर आपको आ रहे हैं, बीच में से हम मर चुके हुए हैं। बेकसूर उनको 11 माह से अंदर रखा हुआ, मैं दिमाग की मरीज हो गई हूँ बेटे के गम से। अब दाऊद खान अभी तक मिलिट्री कैद में है, जो सारा सार बेगुनाह है। हमें कोई आइडिया नहीं था वो जिंदा भी है या नहीं है, कहाँ पर है, किस हालत में है। ये कैसी सोच है जिसने जानते बूझते मासूम पाकिस्तानियों के साथ दहशत गर्दों से भी बदतर सलूक किया। आईन का आर्टिकल नंबर 14 वाज़ह तौर पर कहता है कि हर इंसान की इज्जत और हुर्मत नाकाबिले तस्खीर होगी, और हदीस नबवी के मुताबिक अगर एक जान की हुर्मत खाना काबा की हुर्मत से भी ज्यादा है तो क्या कोर कमांडर के घर की हुर्मत खाना काबा से भी ज्यादा है, जिसकी आड़ में कितनी पाकिस्तानी माओ बहनों नौजवानों और बुजुर्गों को तशद्दुद और जहनी हरासा किया गया, कितनों को शहीद कर दिया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, जिंदगियां तबाह कर दी गईं, कारोबार रोन दिए गए और खानदानों के खानदान उजड़ गए। क्या कसूर था इनका, क्यों इनकी हुर्मत को पामाल किया गया।